Assalamu alaikum students, hopefully you are going well. So in last classes we're discussing about similar and congruent figures, and in this similar figures we have discussed a couple of cases. Aur humne do main points similar figures ke liye discuss kiye the. Number one, figures are said to be similar if the ratios of their respective similar side must be same, and number second property is their internal angles, all of their internal angles must be same. Aur isse related humne questions bhi discuss kar liye the. Now we are moving some of the figure associated questions जिसमें examiner आपको condition based condition से कोई condition देता है और उसमें आपको by words और by statement आपने एक चीज को prove करना होता है कि given triangle या pair of the given triangles are whether similar or not. चलें अब उसकी बात कर लेते हैं. देखिए examiner ने आपको बड़ी simple सी condition given करी है. Examiner has just asking you how to prove a pair of triangles as similar. ऐसे ये ना given pair of triangles को हमने similar prove करना है. और कौन से पेयर ऑफ ट्राइंगल है इसमें एग्जाम्पल आपके पास एग्जामिनर पेयर ऑफ ट्राइंगल्स की भी बात करता है, मतलब जो पेयर ऑफ ट्राइंगल्स है जैसे यस जैसे एग्जामिनर ने आपको क्लियरली कंडीशन गिवन करी है कि प्रूफ ट्राइंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ओ सी डी. इसका मतलब यही होगा ना कि ओ इज सिमिलर टू ओ, ए इज सिमिलर टू सी, डी इज सिमिलर टू डी. इसका होपफुली यही मतलब होगा जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था. सो मूव ऑन. देखिए अब आपने अगर ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो हम दो चीजों की हेल्प लेते हैं, जैसा मैंने स्टार्ट में वीडियो में डिस्कस किया. नंबर वन, रेशियोस ऑफ साइड, रिस्पेक्टिव सिमिलर साइड्स, और नंबर सेकंड आपके पास होती है इंटरनल एंगल, जिसको हम ट्रिपल ए प्रॉपर्टी कहते हैं. और इन दो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम किसी भी फिगर को सिमिलर प्रूफ कर रहे होते हैं. बट हियर द प्रॉब्लम इज, आपके पास ट्राइंगल ड्रॉ हुए में यू आर नॉट गिवन एनी ऑफ द एंगल, कोई भी एंगल गिवन नहीं है तीनों में से. In fact, any of the side is none of the side is given to you. क्योंकि अगर कोई भी side के आपके पास फॉर से lens given होती respective, तो आप ratio form करके देख लेते. तो ऐसी condition में आप उसको alphabet से और मतलब variables form में solve कर रहे होते हैं. अब variable form में कैसे solve करते हैं, कैसे आप statement लिखते हैं, उसकी बात करते हैं. ठीक है, आप normally इस तरह के cases में statement कैसे लिखते हैं. आपने एक junior classes में, in fact junior classes में आपने इस तरह से property discuss की होगी that you called as Z property. And as per that Z property, alternate angles are always same if the lines are parallel. तो भाई अगर lines parallel हैं और कोई भी line जिसको हम normally mass की language में transversal कह रहे होते हैं, मैं इसका properly अभी आपको statement भी लिख के बताऊंगा. As per that statement, whenever two parallel lines are cut by any of the line, और इस line को हम जो line इसको cut करके जा रही है इसको हम transversal कहते हैं. Whenever two parallel lines are cutted by या cut by any of the transversal, then these angles are same and these angles are called as internal alternate angles. Internal alternate angle, आप इनकी बात कर रहे होते हैं, तो ये alternate angle हमेशा बराबर होते हैं. तो as per that property, अगर आप consider करें इस triangle में कि AB और OC segment parallel है, और obviously अगर parallel है तो यहाँ पे भी आप Z property मतलब alternate angle की property accordingly कह सकते हैं कि A पे बनने वाला angle exactly C पे form हो रहा होगा और D पे बनने वाला एंगल आपके पास B पे फॉर्म हो रहा होगा. However, you are not aware about what their particular value of the angle is, but you are sure of कि यार ये एंगल एग्जैक्टली बराबर होंगे. तो आपने इस तरह से इन दोनों एंगल्स को बराबर प्रूफ कर दिया. और ऑब्वियसली अगर किसी भी ट्राइंगल में आप दो एंगल को प्रूफ करते हैं, थर्ड एंगल भी बराबर ही होता है बिकॉज ऑफ सिंपल प्रॉपर्टी जिसको आप सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी कहते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल मस्ट इक्वल एंड टू 180 डिग्री. तो ऑब्वियसली ये वाले एंगल भी आपके पास बराबर होंगे. और मैं इनको एंगल्स जिनको मैंने थ्री लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैं क्रॉस प्रॉपर्टी भी तो कह सकता हूँ. आपने ये प्रॉपर्टी भी डिस्कस की होगी कि व्हेन टू लाइंस कट एट एनी ऑफ द पर्टिकुलर एंगल, तो उनके इंटरनल एंगल एग्जैक्टली सेम होते हैं बिकॉज ऑफ क्रॉस प्रॉपर्टी. इसको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी कहते हैं. यहाँ पे बनने वाला एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा और यहाँ पे बनने वाला एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा. अब फाइनली आपको ये बात तो क्लियर हो गई, अब इसी बात को फाइनली स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग स्पेसिफाई करने जा रहे हैं. सो फाइनली आप जिन स्टेटमेंट से इसको प्रूफ कर रहे होंगे, अब मैं उन स्टेटमेंट की जरा वन बाय वन बात कर लेता हूँ. वन बाय वन हम उन स्टेटमेंट को स्पेसिफाई करते हैं. मैं फर्स्ट इन दोनों प्रॉपर्टीज को रेज कर लूँ. दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखी, नंबर वन ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी जिसको हम जी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, नंबर टू क्रॉस प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू विच ऑल्टरनेट एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर एग्जैक्टली सेम. तो हमने दो प्रॉपर्टी तो सीख ली है, अब इसको स्टेटमेंट वाइज हम प्रूफ करेंगे. पहला स्टेटमेंट हम क्या लिखने जा रहे हैं कि ए पे फॉर्म होने वाला एंगल, जो एंगल आपके पास ए पे फॉर्म हो रहा है वही एंगल सी पे भी फॉर्म हो रहा है. तो इसको मैं ऐसे करके लिखूंगा ना कि एंगल ओ ए बी इज इक्विवेलेंट टू एंगल ओ सी डी. और रीजन क्या लिखूंगा, रीजन लिखूंगा मैं
alternate angles are equal, और यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल alternate angle, तो ये भाई alternate angle है. नंबर टू प्रॉपर्टी में लिखने जा रहा हूँ कि डी पे बनने वाला एंगल बी पे फॉर्म हो रहा है, तो आप कह सकते हैं एंगल ओ डी सी बराबर होगा आपके पास एंगल ओ बी ए के, क्योंकि देखिए मैंने ओ डी सी करा है तो ओ बी ए कहूंगा. होपफुली यू गाइस आर क्लियर अबाउट द फॉलोइंग कंडीशन. और इसमें मैं रीजन क्या कहूँ, मैं रीजन क्या रहूंगा ऑल्टरनेट एंगल्स, अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स की बात कर रहा हूँ कि भाई ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो लास्ट आप कंडीशन तीसरे एंगल को प्रूफ करने जा रहे हैं उसके लिए आप दो स्टेटमेंट नॉर्मली लिख रहे होते हैं, दो मतलब दो महीने से कोई भी एक स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं. एक तो ये कि अगर आप दो एंगल प्रूफ कर चुके हैं तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल तो बराबर ही होगा एज पर द सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी. या आप सिंपली कह भी सकते हैं कि भाई एंगल ए ओ बी, मतलब मैंने ए से स्टार्ट कर रहा हूँ और बी पे एंड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली क्योंकि साइड ए सिमिलर है सी के, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी. इसके लिए आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इसके लिए आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई ये वाले एंगल्स इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. कौन से एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. यू कैन सिंपली राइट इट लाइक वर्टिकली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. मैं जस्ट शॉर्ट में आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो दैट्स हाउ यू प्रूव एनी ऑफ द ट्राइंगल्स टू बी सिमिलर बाय प्रूविंग ऑल ऑफ इट्स एंगल्स टू बी सेम. तो फाइनली अब आप इस शेप को कह सकते हैं कि देयरफोर देयरफोर ट्राइंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल. एक बार जरा नोट कर लीजिएगा, मैं ओ ए बी की बात कर रहा हूँ. ओ ए बी का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ओ देन ए देन बी, क्योंकि ए पे बनने वाला एंगल सी पे आया था और बी पे बनने वाला एंगल डी पे फॉर्म हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ओ ए बी ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी डी. और आपने स्टेटमेंट वाइज सारी कंडीशन को प्रूव भी कर दिया, तो आप देखेंगे कि ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी डी. अब एक बात इससे क्लियरली आपको पता लग गई होगी कि भाई साइड ओ ए ओ सी के सिमिलर है, ए बी सी डी के सिमिलर है और साइड ओ बी ओ डी के सिमिलर है. तो आप जब भी इसमें फॉर से कभी रेशियो बना के अननोन साइड्स को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो भी इसी तरह रिस्पेक्टिव साइड्स के रेशियो फॉर्म कर रहे होंगे. सो यू हैव प्रूव दिस ट्राइंगल एज सिमिलर बाय विच प्रॉपर्टी, आप कहेंगे ट्रिपल ए प्रॉपर्टी, एंगल 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 प्रॉपर्टी, बिकॉज यू हैव प्रूव ऑल द थ्री एंगल्स टू बी सेम. सो होपफुली आपको ये पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा. आई वॉन्ट यू पीपल के एक दफा आप इसको गो थ्रू कर लें, फिर हम इसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. होपफुली यू गाइस आर क्लियर. फाइनली मूविंग टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, इसमें भी आपके पास सिनेरियो वही है. यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रूव ट्राइंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ओ सी डी, ओ ए बी को ओ सी डी के सिमिलर प्रूव करना है. तो आप आ जाएं अब क्वेश्चन नंबर टू पे. क्वेश्चन नंबर टू की बात करना स्टार्ट करते हैं. एग्जामिनर ने कंडीशन से पहले इस तरह का आपको क्वेश्चन देगा कि दो लाइंस पैरेलल शो करी हैं. अब बस हमको इसमें लंबी नहीं कर रहे, डायरेक्टली डायरेक्टली सॉल्व करेंगे ताकि फिर मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करा सकूं. तो बस डायरेक्ट डायरेक्ट लिखते हैं भाई. नजर आ रहा है कि हमारे पास कौन सी लाइंस पैरेलल है, दीस टू लाइंस आर पैरेलल एंड दिस लाइन कट्स देम. इसको मैं ट्रांसवर्सल भी कह सकता हूँ. सो सिंस दीस टू लाइंस आर पैरेलल, तो आप कह सकते हो कि हाँ यहाँ पे बनने वाला एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा. या तो ऑल्टरनेट एंगल इनको टर्म करें, या तो आप इनको ऑल्टरनेट एंगल क्या है या जी प्रॉपर्टी क्या है, बात एक ही है. एग्जैक्टली इन द सेम वे ए पे फॉर्म होने वाला एंगल सी पे फॉर्म हो रहा होगा, अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स. और ओ पे एंगल बिलो ट्राइंगल और अबव ट्राइंगल पे भी सेम होगा. अगेन आप इन तीनों एंगल को सेम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं. तो अगेन अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, पहला स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे कलर भी चेंज करके बता देता हूँ कि भाई बी पे फॉर्म होने वाला एंगल डी पे फॉर्म हो रहा है. तो आप इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना ओ बी ए एंगल इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी. ऐसे ही बी पे फॉर्म होने वाला एंगल डी पे फॉर्म हो रहा है. अगला स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, एंगल ओ सी
D is equivalent to angle O A B के A पे form, C पे form होने वाला angle A पे form हो रहा है. इन दोनों के लिए ही अगर मैं reason की बात करूं, इन दोनों के लिए ही आप लोग reason क्या लिखने वाले हैं कि दोनों के दोनों आपके पास इन दोनों ही condition के लिए आप लोग जो reason लिखने वाले हैं that reason is alternate angles के भाई ये alternate angles हैं. तो आप इन दोनों ही condition के लिए जो reason specify करने वाले हैं that reason is के ये alternate angle है. और फिर last but not the least आप इस angle और इस angle की बात कर लें तो इनको vertically opposite angle लिख देंगे. मैं again statement नहीं लिख रहा, आप बस फिर finally तीनों angle को prove करने के बाद कह दें कि yes these two triangles are similar by AAA property. Finally, moving towards last condition जो आपके पास figure associated question में examiner दे रहा होता है, मतलब mixture में questions होते हैं और normally इसी तरह की दो या तीन condition examiner most of the time आपसे पूछ रहा होता है. अब अगर आप इस scenario को देख लें, examiner is asking you कि whether triangle OAB and OCD are similar or not. अब उसने एक तरह से अगर आप देखें तो join करके triangle draw करें में, in which आपके पास जो parallel side हैं वो ये वाली, जो आपके पास parallel side हैं वो साइट ए बी और सी डी पैरेलल है, फिगर में नजर भी आ रहा है. तो अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखें, अभी हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में एक बार डिस्कस करी कि अगर आपके पास कोई भी लाइन पैरेलल हो, जैसे मैंने दो लाइन पैरेलल बनाई है और कोई भी उनको लाइन कट करती हुई जाए, जिस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो इन दैट केस आपके पास इधर फॉर्म होने वाला एंगल इधर भी फॉर्म हो रहा होगा बिकॉज बोथ द लाइन्स आर पैरेलल. तो अगर भाई लाइन पैरेलल है तो ये एंगल बराबर होंगे. इनफैक्ट यहाँ पे जो एंगल आपके पास ये फॉर्म हो रहा है जिसको मैं अभी हाईलाइट करने जा रहा हूँ, वो एंगल इधर भी फॉर्म हो रहा होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इधर भी फॉर्म हो रहा होगा. तो अब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एंगल के पेयर्स को बाय द वे यूज करते हैं. तो अब मैं सिंपली एक बात ये बताएं, अगर ऐसे ही केस को मैं रिलेट करूं तो क्या मैं ये वाली बात कह सकता हूं कि ए पे फॉर्म होने वाला एंगल सी पे फॉर्म हो रहा होगा बिकॉज दीज लाइंस आर पैरेलल. और इनके लिए मैं टर्म क्या यूज करूंगा, एंगल विद द सेम, मतलब एक ही सेगमेंट के साथ ये दोनों के दोनों एंगल बन रहे हैं ना, एंड ए बी एंड सी डी आर पैरेलल. और यही वाली बात अगर आप रिलेट करें तो डी पे फॉर्म होने वाला एंगल बी पे फॉर्म हो रहा होगा बिकॉज कि आपके पास ये भी आपके पास ट्रांसवर्सल, इसके अंदर ओ डी लाइन ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रही होगी कि दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन ऐसे कट करती हुई जा रही है. तो ऑब्वियसली दिस इज समहाउ लाइक पॉइंट डी एंड दिस इज समहाउ लाइक पॉइंट बी, तो ये आपके पास सेम एंगल होंगे बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल. तो आपने ये दो एंगल प्रूव कर दिए. और अगर मैं ओ पे बनने वाले एंगल की बात करूं तो ओ पे बनने वाला एंगल आपके पास दोनों शेप्स के लिए, कौन से दोनों शेप्स के लिए भाई, अगर आप ट्राइंगल ओ ए बी की बात करें तब भी ओ पे फॉर्म होने वाला एंगल एक ही होगा, अगर आप ट्राइंगल ओ सी डी की बात करें, मतलब इस लार्जर ट्राइंगल की, मैंने ब्रेकअप पे आपको ऐसी ड्रॉ करके दिखाया, तब भी एंगल सेम होगा. तो इन बोथ द केसेस आपके पास ये एंगल सेम होंगे. अगेन मैं स्टेटमेंट वर्ड बाय वर्ड नहीं लिख रहा, होपफुली यू आर गाइस आर क्लियर अबाउट द फॉलोइंग कंडीशन के किस तरह हम वेरिएबल्स या एक तरह से स्टेटमेंट वाइज किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर या कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहे होते हैं. तो भाई सिमिलर प्रूफ करने के लिए आप कह रहे होंगे कि ये सिमिलर ट्राइंगल हैं, यस दे आर सिमिलर बाय ट्रिपल ए प्रॉपर्टी. एग्जामिनर नॉर्मली 3 मार्क का क्वेश्चन देता है तो आप डायरेक्टली उसको इस तरह से मार्क नहीं करते, आप इस तरह से, मैंने फर्स्ट पार्ट में प्रॉपर्टी आपको 3 स्टेटमेंट लिख के बताए ना लाइक दिस, तो आप इस तरह से प्रॉपर स्टेटमेंट स्पेसिफाई करके उस चीज को प्रूफ कर रहे होते हैं. Hopefully you guys are clear about the following concept. अब finally कुछ past paper associated या कुछ unknown किस तरह से इसी तरह के cases के अंदर calculate करते हैं उनकी बात कर लेते हैं. Okay? So let's move on. So question is front of your screen. पर examiner इस condition में आपसे पूछ क्या रहा है? Examiner is simply asking you find AB and PQ. अगर देखिए आप ए बी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ए बी, अगर मैं यहाँ पे सेगमेंट की बात करूँ तो डेफिनेटली ए बी ये वाली लाइन सेगमेंट होगी, और अगर आप पी क्यू की बात करें तो पी क्यू इज रेफर्स टू दिस वन. अगर आप इस फिगर को क्लियरली देखें तो फिगर में आपके पास एग्जामिनर ने इन दोनों सेगमेंट को पैरेलल के सिंबल से रिप्रेजेंट करा हुआ है, पैरेलल के सिंबल से रिप्रेजेंट करा हुआ है. तो ऑब्वियसली अगर आप रिलेट करें, देखिए अगर आपने अननोन कैलकुलेट करना होता है सिमिलर ट्रायंगल में तो आप सिमिलर साइड्स के रेशियो बना रहे होते हैं, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कौन सी साइड किसके सिमिलर होगी. अब देखें अगर एग्जामिनर की कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपके पास ये सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट इस पैरेलल, तो ऑब्वियसली इस यहाँ पे सी पे फॉर्म होने वाला एंगल पी पे फॉर्म हो रहा होगा, क्यू पे फॉर्म होने वाला एंगल
ए पे फॉर्म हो रहा होगा, तो इससे समझ में क्या आ रहा है, इससे समझ में क्या आ रहा है कि भाई बी एंड सी साइड इज सिमिलर टू बी एंड पी. मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, बी एंड क्यू साइड इज सिमिलर टू ए एंड बी. तो ऑब्वियसली अगर आप सिमिलर साइड्स के रेशियो फॉर्म कर रहे होंगे तो इस तरह से सिमिलर साइड्स के रेशियो फॉर्म हो रहे होंगे. तो फाइनली अननोन कैलकुलेट करने के लिए मैं सिंपली लिख सकता हूँ, पहले मैं अल्फाबेटिकली लिखता हूँ इसको, देन हम लोग सॉल्व करते हैं. सिंस वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड पी क्यू, तो पहले मैं ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैं लिखूंगा ए बी, और ए बी के रिस्पेक्टिव सिमिलर साइड जैसा भी हमने देखा वो बी क्यू है. तो ए बी डिवाइडेड बाई बी क्यू, एक अननोन के साथ एक नोन का पेयर हो गया. और आपके पास अब सिमिलर साइड, क्योंकि आपने पहले ए बी सिलेक्ट करी थी and that's a part of this triangle, तो obviously आप जो select कर लेंगे वो B and C select कर लें. B and C के respective similar side is B and P. तो अगर आप ratio बना के finally solve करें तो AB आपके पास unknown है, B and Q आपको find out करना है. B and Q की value 6 है, B and C की value आप लोगों ने calculate, B and C आपके पास given है 15 and B and P उसमें आपके पास given है 9. आप जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास ए बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. सो ए बी कम्स आउट टू बी 15 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 9, तो 3 टाइम्स 2 जा 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 जा 3 टाइम्स 1 जा 3 टाइम्स 5 जा. तो फाइनली ऑन सिंप्लीफिकेशन 5 इंटू 2 ए बी कम्स आउट टू बी 10 यूनिट्स. इन द सेम वे अभी तो मैंने प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप इस तरह से रेशियो लिख के फॉर्म करके आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया है. अब जरा डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं सेगमेंट पी एन क्यू के लिए. तो बताएं पी क्यू के रिस्पेक्टिव सिमिलर साइड हमारे पास ए सी हो जाएगी, ए सी की वैल्यू आप लोग 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अब कोई भी और रिस्पेक्टिव सिमिलर पेयर आप पिक कर लें, क्योंकि मैंने पी क्यू वाले ट्राइंगल से पिक करा था, तो ऑब्वियसली अब मैं इसी ट्राइंगल से अगला पेयर पिक कर रहा हूँगा. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 या 9, तो 9 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा. अब 9 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि 9 के रिस्पेक्टिव सिमिलर साइड 15 है, तो ऑन सिंप्लीफिकेशन आप पी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. दैट कम्स आउट टू बी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 15. तो भाई अगर इस वैल्यू को मैं 15 से डिवाइड कर दूं, तो आपके पास ये हो जाएगा 2 times 5 times 2 जा 5 times 3 जा 3 times 1 जा 3 times 3 जा. तो फाइनली पी क्यू कम्स आउट टू बी 6 centimeters या 6 units, जो भी आपके पास लेंथ का यूनिट गिवन होगा. So hopefully you guys clear about the following condition. इससे associated एक question I want के और discuss कर लूँ. One more question. Yes. In the following question, examiner is asking you to find the value of x and y. और condition के accordingly, maybe आपको ये values लिखी भी नजर ना आ रही हो, तो मैं इसको clearly लिख देता हूँ. This value is 30. This value is x. This value is y. This value is 11. This is 5. And this is 10. ये आपके पास वैल्यूज हैं. अब आपके पास एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. अब देखिए आप डायरेक्ट करेंगे, हमने कोई स्टेपिंग नहीं करनी. अभी हम लोग सीख चुके हैं एग्जामिनर ने कंडीशन के अकॉर्डिंगली इस साइड और इस साइड को पैरेलल गिवन करा था, तो आप ऑब्वियसली समझ गए कहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा होगा. तो आप डायरेक्ट लिखेंगे एक्स के रिस्पेक्टिव सिमिलर साइड होगी 11 वाली, तो एक्स बाय 11. और फिर आप अननोन, क्योंकि मैंने एक्स पिक करा है, तो अब रिस्पेक्टिव ट्राइंगल की ही हम लेंथ पहले पिक करेंगे और फिर दूसरे ट्राइंगल की पिक करेंगे. तो आप फाइनली पेयर लिख सकते हैं एक्स बाय, मैंने 11 लिखा, नेक्स्ट पेयर लिखेंगे हम 10 डिवाइडेड बाय 5. सिंपल कर लेंगे, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 5. 5 टाइम्स 1 जा 5 टाइम्स 2 जा, एक्स कम्स आउट टू बी 22 यूनिट्स. हियर कम्स आउट टू बी द वैल्यू ऑफ एक्स. इन द सेम वे y के लिए भी सॉल्व करेंगे. y के रिस्पेक्टिव सिमिलर साइड हमें यहाँ पे 30 नजर आ रही है, तो y डिवाइडेड बाय 30 कर लेते हैं. और उसके बाद दूसरी रिस्पेक्टिव सिमिलर साइड पिक कर लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 10. क्योंकि मैंने y बाय 30 करा है, तो अब मैं स्मॉलर ट्राइंगल की साइड पहले पिक करूंगा, तो दैट वुड बी 5 डिवाइडेड बाय 10. सो y कम्स आउट टू बी 5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 10. 0 and 0 cancels each other. So on simplification, the value of y comes out to be 15.
So hopefully you people are clear about the following concept ki kis tarah hum respective similar sides ka ratio form kar rahe hote hain. So in next session, in next class, we'll discuss few of the more concept. Thank you. So bhai, aise humne kara proof, then we have solved on.